ये मैं हूँ चश्मा लगाए हुए, और वो गया मेरा चश्मा। कुछ समझ आया? तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। वृंदावन घुसते ही मुझे यहाँ वार्निंग मिल चुकी थी कि कृपया यहाँ अपना चश्मा बंदरों से बचा के रखें। बट मैंने लोगों की सुनी नहीं, और दूसरे दिन ही एक बंदर ने अटैक कर दिया मुझ पे। बट उस दिन मेरा चश्मा बच गया। उस दिन के बाद से मैं बिना चश्मे के ही घूमने लगा। बट कल अंजीर और मैं गए थे एक ऐसी मंदिर जो कि 5000 साल पुरानी है, राधा मदन मोहन टेम्पल। मैं 22 साल से चश्मा पहन रहा हूँ और चश्मे के बिना मुझे साफ दिखता नहीं है, तो इस स्पेशल मंदिर को क्लियरली देखने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए चश्मा पहन लिया। फिर क्या, लो देख लो। बंदर मेरा चश्मा लेकर उसे चबाने लगा तो मैंने उसे च्युइंगम दे दिया। उसने लिया नहीं, फिर बिस्कुट ऑफर किया तो वो गुस्सा गया, चश्मा दे ही नहीं रहा। बंदर को कुछ और ही चाहिए था। फिर एक बच्ची आती है फ्रूटी का बॉटल लेकर, बंदर को वो बॉटल फेंकती है और बंदर चश्मा छोड़ जाता है। मुझे अपना चश्मा मिल तो जाता है, बट उसके बदले मुझे उस बच्ची को 100 रुपए देने पड़ते हैं। बंदर ने मेरे चश्मे की हालत खराब तो कर दी थी, बट मैं ये सोचकर इम्प्रेस था कि कैसे वृंदावन के बंदरों ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया हुआ है।